इन अ रीसेंट इंटरव्यू अर्शद वारसी, जो मोस्टली कॉमेडी फिल्म्स में नजर आते हैं, उनसे पूछा गया द करंट स्टेट ऑफ बॉलीवुड इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी फिल्म्स. तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वी हैव गॉन फ्रॉम यू नो गुड बैड टू वर्स. आजकल राइटर्स ओरिजिनल कॉन्टेंट नहीं लिखते एंड मोस्टली दे टेक कॉमेडी रेफरेंसेज फ्रॉम द इंटरनेट. एग्जैक्टली. इसलिए सवाल आपके लिए ये है कि क्या आपको भी लगता है कि जो कॉमेडी फिल्म्स बन रही हैं उसमें डू यू एंजॉय situational comedy more than the slapstick comedy? Do tell us in the comments below. Saga, which one would you go for? Definitely situational comedy. I mean, अब तो हमने ऐसी फिल्में देखी है जैसे कि स्त्री फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हॉरर फिल्म को भी उन्होंने हॉरर कॉमेडी बनाया है एंड यू आर गेटिंग स्केर्ड इन वन सीन एंड अनदर सीन यू आर लाफिंग एंड दैट्स द काइंड ऑफ यू नो इंटेलिजेंस वी वॉन्ट टू सी इन फिल्म दैट दे गिव अस डिफरेंट इमोशंस. एंड आई थिंक स्लैपस्टिक कॉमेडी जहाँ फिजिकल जोक्स हो रहे हैं एंड you know, I think that's all passe now. It's done to death. Yeah. And I think Arshad Varsi also sort of agrees with you because unke interview mein unhone kaha, I'm sorry to say this, but it has become worse. There are very few writers who write original comedy. Most of them source it straight from the internet, which is just sad. Besides, I feel comedy has become very chichori. That is another aspect which I wish wasn't like that. You should write more intelligent comedy. I wish we had done better. Instead of working harder, we have become very convenient. Right, and we've seen films like Houseful 4, Total Dhamal, जिन्होंने business बहुत किया है, but जिस तरीके की comedy दिखाई गई है, वो अभी भी 10 साल कहीं ना कहीं पीछे हैं. अभी भी slapstick comedy पर वो चल रहे हैं. And I think we have some amazing films like बधाई हो, films like स्त्री, films like बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान. ये सारी फिल्मों में उन्होंने real cinema के साथ साथ एक सिचुएशनल कॉमेडी डालकर फिल्म को मजेदार बनाया है. एग्जैक्टली. एंड यू नो सागर, देयर वाज अ टाइम जब हमें पता नहीं था कॉमेडी क्या होती है. यू नो वी बॉलीवुड वाज द ओनली सोर्स, बट राइट नाउ आई थिंक इंडिया इज ऑल्सो एट अ प्लेस जहाँ पर कॉमेडी राइटर्स एंड कॉमेडी स्टैंड अप एक्ट्स हैव सॉर्ट ऑफ टेकन ओवर. सो लोगों को भी आदत पड़ गई है अच्छा कॉन्टेंट सुनने की और देखने की, बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर डेफिनेटली गिविंग अ बिग फाइट टू दीज मूवीज. एंड उन दोनों कॉमेडी स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड आई फील लाइक वन अर्शद सेज दैट देर इज रियली नो मोर स्कोप, अगर आप इंटरनेट से अभी भी अपने जोक्स चुरा रहे हैं, आई मीन देर इज लॉट ऑफ पीपल जो बहुत कमा रहे हैं, बहुत शोज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री एंड देर राइटिंग इंटेलिजेंट कॉमेडी. Why can't that be put into movies also? Why is Bollywood sort of, you know, staying back? And you know, it means a lot when it comes from Arshad Varsi, especially because he is someone who's worked in maximum comedy films. He has unfortunately also been part of slapstick comedies and, you know, comedies that we thought ki ab hum thoda aage nikal chuke hain. If he as an actor understands that we are still lacking behind and actors like him, if raise voices, jab scripting mein hi, jab wo script पढ़ते हैं तभी अगर वो रेज करे कि आई थिंक इस तरीके की कॉमेडी अब ऑडियंस एंजॉय नहीं कर पाएगी, हम शायद चेंज देखना शुरू करेंगे. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज अ गेम चेंजर राइट नाउ. एग्जैक्टली. सो लाइक वी सेड, द लास्ट वर्ड हैज टू कम फ्रॉम द ऑडियंस. इफ द ऑडियंस सेज कि भाई बस बहुत हो गया, आई थिंक बॉलीवुड वुड हैव टू लिसन. सो प्लीज डू द नीडफुल, अपने कॉमेंट्स में डालिए कि आप क्या देखना चाहते हैं एंड होपफुली बॉलीवुड इज गोइंग टू लिसन. वॉच प्लैनेट बॉलीवुड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 9 PM ओनली ऑन जूम.